गुरबाणी का फुरमान है, जैसी आग्या कीनी ठाकर तिसते मुख नहीं मोरे हो। बाबा जरनैल सिंह की ऐसी बुलंद हस्ती है, जदों ते हुक्म होया भी चौंकड़ा मार के बाणी पढ़नी है, आत्मक तौर ते बरकतां हासिल करन लई ते उन्हें चौंकड़ा मार लिया और चौंकड़े विच 101 एक जपजी साहब का पाठ किया है। ये आपां कहते दिने भी वह सिपाही बड़ा तकड़ा सी, पर उहदे पिछे पहलां संत बनना पिया है। जदों आग्या होई भी संत की उपाधि हासिल करनी है, चौंकड़ा मार के बह गया बाबा वो, और जदों संत बन गया मोह माया नूं जित लिया, तन की परवाह ना रही, जदों सिपाही बन के नितरिया वह मामूली हुंदा, ते 1.5 लाख फौज के सामने 150-200 सिंह दे विच ऐसा लोहे का वजूद भर के 1.5 लाख फौज के सामने खड़े कर देना, ये मामूली पुरशां दे हिस्से नहीं आया। उहदी संगत करन दे नाल ही 150-200 सूरमा 1.5 लाख दे घेरे सामने पैर गड के खलो गया, जिन्हां दे बारे कबीर जी का फुरमान है, पुरजा पुरजा कट मरै कब हूना छाडै खेत। सतगुर मेरा तान नितान, जिन्हां दे पले कख ना होवे चौंकड़ा ला लैण, इन्ना तान बख्शदे ने। तीसरे नंबर ते भारत वर्ष की फौज है दुनिया विच, बाहूबल अंदर जपजी जाप करन वालिया नूं चौंकड़े चो कैसी बरकत है, मैनू दसण की लोड़ नहीं, तुहानू दसण की लोड़ नहीं। ये अकृत घनता दियां हद्दां पार करन वाले, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी नूं भुलाउण वाले, भारत वर्ष के एहसान फरामोश हो फौजियां नूं पुछो, जपजी ते जाप दा जिहदा चौंकड़ा सी 1.5 लाख दे घेरे नूं इदां उडाया है 200 सिंह नाल, जिवें गिदड़ां दीआं डारां शेर उडाउंदे ने, जिवें गिदड़ां दीआं डारां शेर उडाउंदे ने। बरकतां जपजी चों हासिल होईआं,